चाचा जी, मैं जीत गया। आज मैंने आपको हरा दिया। बधाई हो सबू। वो क्या है कि मेरे मोबाइल में गेम बीच में ही रुक गया था, नहीं तो मैं ही जीत जाता। चाचा जी, पता है कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि नेट ही चला गया। इतना गुस्सा आया ना कि मत पूछो। साबू, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, हमें शिकायत करनी होगी। सारे जहाँ की चिंता है आपको, बस मेरी ही नहीं है। मेरा सारा दिन खाना बनाने में निकल जाता है, पर आपको नहीं लगता कि कहीं घुमा लाऊं? भगवान, तुम्हारे हाथों के खाने का तो जवाब नहीं भगवान। चाचा जी, वैसे चाची सही बोल रही हैं। बहुत टाइम हो गया कहीं घूमने नहीं गए हैं हम सब। अच्छा बाबा, ठीक है, चलते हैं सब। ऐसा करते हैं कि पप्पू की परीक्षा आज खत्म हो रही है, वो जैसे ही आता है बैठकर सलाह कर लेते हैं कि कहाँ जाना है। अरे पप्पू, कैसी हुई परीक्षा? पता है हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, पिकनिक की जगह तय करनी है ना? परीक्षा रद्द हो गई। पर क्यों? पर्चा पहले ही चुरा लिया किसी ने, जैसे ही पता चला परीक्षा रद्द हो गई। अच्छा अच्छा, ठीक है, चिंता मत करो पप्पू। अब पर्चा कब है? सोमवार को। तो तुम सोमवार को पर्चा दो अच्छे से, और फिर हम सब चलेंगे पिकनिक, ठीक है? ठीक है। चाचा जी, बहुत देर हो गई है, अब कब आएगा पप्पू? साबू, थोड़ा इंतजार कर लो, अब तक 20 बार पूछ चुके हो। अरे वो रहा पप्पू। चाची, आप सब मेरे बिना ही पिकनिक चले जाओ। अरे पर हुआ क्या ये तो बताओ। चाचा जी, पर्चा फिर से चोरी हो गया। क्या, फिर से? हाँ, और परीक्षा फिर से 2 दिन बाद होगी। स्कूल वालों ने कुछ नहीं किया? कोशिश की, पर चोर पकड़ा ही नहीं गया। अब तो उस चोर को पकड़ना ही होगा। और हाँ पप्पू, हम सब पिकनिक साथ में ही जाएंगे। लो, तब तक तुम कुछ बादाम खाओ। शुक्रिया चाचा जी। ऐसा बार बार कैसे हो रहा है? सर, हर कोशिश करने के बाद भी चोर नहीं पकड़ा गया। बहुत चतुर है वो। सर, चोर चाहे जितना भी चतुर हो, कभी न कभी तो पकड़ा ही जाता है। चाचा जी, तो बताइए क्या करना है? ये बात तो पक्की है कि चोर कोई स्कूल का ही है। बस अब हम लोगों को ये पता करना है कि वो कौन है जो बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खेल रहा है। मूंछ खींच दिमाग का पेंच। शलाम शाम, बचाओ बचाओ, इसको बचाओ। अरे क्या हुआ? अरे चौकीदार भाई, आप तो एकदम मुस्तंडे दिखते हो, लेकिन देखो हमारे रॉकेट से डर गए। चलो अब एक बात बता दो कि तुम दोनों में से किसने परीक्षा का पर्चा बाहर किया है, नहीं तो। पता नहीं साबू भाई, लोग हम गरीबों पर ही क्यों शक करते हैं। चाचा जी, ये डॉगी। ओहो, शांत हो जाओ रॉकेट, चलो जरा घूम आते हैं। चाचा जी, जब से पर्चा चोरी होने लगा है ना, तब से सारे लोग हमें ही चोर समझ रहे हैं। पर यकीन कीजिए चाचा जी, हम दोनों ने कुछ नहीं किया है। साबू, तुम यहीं रुको चौकीदार के साथ। क्या ये बल्ब हमेशा चालू रहता है? अरे नहीं, आखिरी टीचर निकलने से पहले बल्ब बंद कर देता है। हुँ? हुँ?
अच्छा ये बताओ कि दरवाजे को ताला कौन लगाता है? चाबी तो टीचर के पास ही रहती है, कोई भी कर देता होगा चाचा जी। चाचा जी, प्यून बता रहा था कि कल फिर से पर्चा चोरी हो गया। जी सर, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ जी पूछिए। ये बताइए कि स्टाफ रूम की चाबी किसके पास होती है? बस तीन टीचर्स के पास ही है, मैथ्स, साइंस और कंप्यूटर। अच्छा, मूंछ खेच दिमाग का पेंच। बच्चों, आज का परीक्षा पर्चा आपको www.comparikshah.com से डाउनलोड करना होगा। सब सवाल वीडियो के ऊपर होंगे। आपको एक घंटे में इसको खत्म करना है। पास होने के लिए सारे उत्तर देना जरूरी है, समझे? नंदू भाई को जरा बुलाइए। जी साहब। सर, सिक्स स्टैंडर्ड के रोल नंबर 18, रोल नंबर 35 और रोल नंबर 42 को जरा बुलवाइए। अभी जाओ। जी साहब। सर, इन्हीं बच्चों ने पर्चा चोरी किया था। क्या? इन लोगों की इतनी हिम्मत? सच बताओ कैसे किया? क्यों किया ये सब? नहीं तो अभी के अभी सबके मम्मी पापा को यहाँ बुलाऊंगा। इनको इसकी सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। ये सोच आई कैसे? वो मैथ सर ने अपनी चाबी एक दिन गलती से कैंटीन में छोड़ दी थी। हमने उसकी हूबहू चाबी बनवा ली सर। यस सर। मैथ टीचर को बुलवाओ। अभी बुलाता हूँ सर। जी सर। सर देखिए, आपकी एक गलती से क्या हो गया, सबको कितनी परेशानी हुई। हाँ सर, कुछ दिनों से कुछ परेशान था मैं, बस उसी वजह से ये गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए सर। ये तुम लोगों की पहली गलती है। चाचा जी की स्पेशल रिक्वेस्ट की वजह से आप लोगों को इस बार माफ कर रहे हैं। अब ध्यान रहे, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तुम सब फिर से सारे पर्चे दोगे, समझे? यस सर। यस सर। यस सर। शुक्रिया चाचा जी। ये गलती फिर से मत करना। धन्यवाद चाचा जी, आपके सहयोग ने बाकी बच्चों की मेहनत को बेकार जाने से बचा लिया। वैसे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप इतनी आसानी से कैसे सारी समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं? बहुत आसान है, वो परीक्षा एक घंटे की थी,
लेकिन बीच में मैंने इंटरनेट बंद कर दिया था। इसका मतलब कोई भी स्टूडेंट पर्चा पूरा नहीं कर पाता, सिवाय उन लोगों के जिनको सवाल पहले से ही पता हो। वाह चाचा जी वाह, मान गए आपका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज है। किताबें पढ़ो और बढ़ाओ अपनी अकल, चीटिंग करने से रह जाओगे।